हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी गाउस। तो आज हम बात करेंगे 2020 के टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज, जो कि एज ऑलवेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप सबके लिए अवेलेबल होंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ से जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी गाउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बेसिकली वर्ल्ड की जो फर्स्ट 6G की एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट थी, अभी हाल ही में उसको लॉन्च किया गया था। तो हाल ही में उसको किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो 6 नवंबर 2020 को चाइना के द्वारा वर्ल्ड की जो फर्स्ट 6G की एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट थी उसको लॉन्च किया गया था। और इसके साथ साथ 12 और सैटेलाइट को इस रॉकेट में ही लॉन्च किया गया था, जिसमें 6G की एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए, चाइना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2020 के, जो अभी रिसेंटली हुए थे, जो कि 48th इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स है। इनमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किनको दिया गया? तो यूनाइटेड किंगडम के एक एक्टर है जिनका नाम है बिली बैरेट, उनको बेसिकली 2020 का जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है वो दिया गया था। उसके अलावा जैसे बेस्ट एक्ट्रेस की अगर हम बात करें तो ग्लेंडा जैक्सन जो है उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था। और इंडिया की एक नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज़ है जिसका नाम है दिल्ली क्राइम्स, उसको बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड 48th इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2020 में दिया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया जो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है वो इन चार ऑप्शंस में से कौन सा है? तो अभी रिसेंटली 3 अक्टूबर 2020 को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं ऑनरेबल नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है जो कि 9.2 किलोमीटर लंबा है, ये हिमाचल में है। बेसिकली हिमाचल में जो मनाली है उसको लाहौल स्पीति वैली के साथ में ये कनेक्ट करता है, जिसका नाम है अटल टनल। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है कि 300 साल पुराना एक काली टेम्पल है जिसके कंस्ट्रक्शन के लिए अभी इंडिया के द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया, तो ये किस कंट्री में लोकेटेड है? 300 साल पुराना जो काली टेम्पल है ये बेसिकली बांग्लादेश के नटोर जगह पे लोकेटेड है, जो कि 18th सेंचुरी में बनाया गया था। अभी इसका रिकंस्ट्रक्शन वर्क बांग्लादेश के द्वारा स्टार्ट किया गया है, जिसको इंडिया के द्वारा काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, बांग्लादेश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बेसिकली ये पूछा गया है कि ऑस्कर 2021 के लिए इंडिया की किस फिल्म को ऑफिशियली सेलेक्ट किया गया है? तो इंडिया की मलयालम लैंग्वेज में एक फिल्म है जिसका नाम है जलीकट्टू, जिसको लिजो जोस पेलिशेरी के द्वारा डायरेक्ट किया गया है। तो इंडिया की ऑफिशियल एंट्री के लिए जो ऑस्कर्स की एक कैटेगरी होती है फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी, उसके लिए ऑफिशियली सेलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है जो एशिया की फर्स्ट सोलर पावर टेक्सटाइल मिल होगी उसको इंडिया के किस स्टेट में सेटअप किया जाएगा? तो ये रिसेंटली अभी अनाउंसमेंट की गई थी कि महाराष्ट्र का जो पारबनी डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे एशिया की जो फर्स्ट सोलर पावर टेक्सटाइल मिल होगी, जिसका नाम है जय भवानी वुमेन्स कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल, उसको सेटअप किया जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया, जिससे कि जो नेशनल हाईवेज होते हैं उनका जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है उसको जल्दी से पूरा किया जा सके, तो उस पोर्टल का नाम क्या है? तो अभी रिसेंटली जो यूनियन मिनिस्टर है नितिन गडकरी, उनके द्वारा फेब्रुअरी 2020 में ये एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया था, जिसका नाम है गति, GATI। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। और आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है और शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे इंडिया में कौन सा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे पूछा गया नोबेल प्राइज, जो नोबेल पीस प्राइज होगा 2020 का, उसके लिए किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को अभी रिसेंटली नॉमिनेट किया गया? तो अभी रिसेंटली दो लोगों को नॉमिनेट किया गया 2021 के नोबेल पीस प्राइज के लिए। एक तो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर है जिनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, और एक है अबू धाबी के क्राउन प्रिंस जिनका नाम है मोहम्मद बिन जायद अल नहान। उन दोनों को बेसिकली यहाँ पे नॉमिनेट किया गया, बट यहाँ पे पूछा गया कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के बारे में, तो यहाँ पे आ जाएगा इसराइल के प्राइम मिनिस्टर।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे पूछा गया जो बैका अग्रीमेंट है, जिसकी फुल फॉर्म बेसिकली होती है बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन अग्रीमेंट फॉर जियो स्पाइटल कॉपरेशन, ये इंडिया के द्वारा किस कंट्री के साथ में साइन किया गया था। तो 27 अक्टूबर 2020 को इंडिया और यूएसए के बीच में 2+2 का डायलॉग हुआ था, उसके अंडर जो बैका अग्रीमेंट है उसको इन दोनों कंट्रीज के द्वारा साइन किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए, यूएसए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि जो जापान है उसके नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में किनको इलेक्ट किया गया। तो 16 सितंबर 2020 को जो योशिदे सुगा है उनके द्वारा जापान की जो प्राइम मिनिस्टरशिप है उसको लिए बेसिकली उनको इलेक्ट किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि जो TRAI है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके चेयरमैन के रूप में अभी रिसेंटली किनको अपॉइंट किया गया। 28 सितंबर 2020 को जो ACC है, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, उसके द्वारा एक सीनियर IAS ऑफिसर PD वगैरह को जो TRAI है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे ये पूछा गया कि जो सिप्री है उसकी जो आर्म्स एक्सपोर्ट लिस्ट है उसमें इंडिया की रैंकिंग किस पोजीशन पे रही है। तो 2020 में जब सिप्री के द्वारा आर्म्स एक्सपोर्ट की जो लिस्ट रिलीज की गई कई सारी कंट्रीज की, इसमें फर्स्ट टाइम इंडिया को इंक्लूड किया गया था, जिसमें इंडिया की जो रैंकिंग थी वो 23rd पोजिशन पर रही थी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया इंडिया के द्वारा अभी रिसेंटली किस स्पाइस का, किस मसाले की खेती का जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया गया है। तो अभी फर्स्ट जो सीडलिंग की गई वो की गई थी हींग की, इंडिया के द्वारा 15 अक्टूबर 2020 को, जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पे एक लाहौल वैली है उसके पास में ही क्वारिंग विलेज में इसकी जो फर्स्ट सीडलिंग थी हींग की वो की गई थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, हींग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि जो नासा का ओसिरिस रेक्स का जो मिशन है वो अभी रिसेंटली एक एस्टेरॉयड के सरफेस को टच किया है, और वहाँ से वो डस्ट वगैरह के सैंपल्स या फिर मतलब बेसिकली जो भी वहाँ के सैंपल्स वगैरह हैं एस्टेरॉयड के उनको लेके अर्थ पे आने का उसका मेन मोटिव है। तो यहाँ पे किस एस्टेरॉयड की बात की जा रही है। तो नासा का जो ओसिरिस रेक्स का जो स्पेस क्राफ्ट है ये बेसिकली 20 अक्टूबर 2020 को इसके द्वारा जो बेनू एस्टोरॉयड है उसके सरफेस को टच किया गया, और वहाँ से डस्ट वगैरह के जो सैंपल्स हैं उन सबको कलेक्ट किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है कि किस स्पीसीज को लेके, किस स्पीसीज के कंजर्वेशन को लेके इंडिया के द्वारा अभी रिसेंटली 5 ईयर का एक प्लान ड्रॉ किया गया है। तो वल्चर्स जो होते हैं जिनको कि गिद्ध भी बोला जाता है, उनकी पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा अभी रिसेंटली इंडिया में डिक्लाइनमेंट हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है। तो इस वजह से ही इंडिया के द्वारा एक 5 ईयर का एक्शन प्लान बनाया गया जिससे कि वल्चर्स की स्पीसीज को कंजर्व किया जा सके। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कितनी सिटीज़ को 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटीज़ डिक्लेयर किया गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी तक टोटल 6 सिटीज़ को, जैसे कि अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर एंड नवी मुंबई, इन 6 सिटीज़ को 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटी डिक्लेयर किया गया है। इसके अलावा 65 जो सिटीज़ हैं उनको 3 स्टार दिए गए हैं, और जो 70 सिटीज़ हैं उनको 1 स्टार की रेटिंग गार्बेज फ्री सिटीज़ में दी गई है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि इंडिया की जो प्रीमियम कॉटन है उसके लिए एक नई ब्रांड अभी रिसेंटली लॉन्च की गई थी 2020 में इंडिया के द्वारा, तो उस ब्रांड का नाम क्या है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल जो हैं स्मृति ईरानी, उनके द्वारा इंडिया की जो फर्स्ट एवर प्रीमियम कॉटन की ब्रांड थी जिसका नाम है कस्तूरी, उसको लॉन्च किया गया था। उसके साथ साथ कस्तूरी का एक लोगो भी उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि
मेमोरियल ब्लू फ्लैग लेने वाली फर्स्ट इंडियन ओरिजिन की वुमेन कौन बनी है? तो नूर इनायत खान, जिनको कि नूर उन निशा इनायत खान या फिर नूरा बेकर के नाम से भी जाना जाता है, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में ब्रिटेन की एक स्पाई की तरह उनके द्वारा सर्व किया गया था, मतलब कि जो स्पेशल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव के रूप में, और वो फर्स्ट इंडियन ओरिजिन की वुमन बनी है जिनको मेमोरियल ब्लू फ्लैग दिया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि किस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के द्वारा एक खुद का जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम है वो, या फिर यूपीआई पेमेंट फीचर जो है वो इंडिया में लॉन्च किया गया। तो व्हाट्सएप के द्वारा जो खुद का यूपीआई मतलब यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस का जो सिस्टम है वो इंडिया के सारे यूजर्स के लिए लॉन्च किया गया। ये अराउंड 10 रीजनल लैंग्वेज में इसको व्हाट्सएप के द्वारा लॉन्च किया गया है। NPCI मतलब कि जो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, वहाँ से अप्रूवल लेने के बाद में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया जो यूनाइटेड नेशंस का पॉपुलेशन अवार्ड है वो किनको दिया गया। तो यूनाइटेड नेशंस का जो पॉपुलेशन अवार्ड है वो दो लोगों को दिया गया, मतलब कि इंडिविजुअल अगर हम बात करें तो इंडिविजुअली दिया गया वो भूटान की जो क्वीन मदर है उनको, और एक इंस्टीट्यूशन के रूप में भी इंडिया का एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है हेल्प एज, उसको भी दिया गया। तो दो बेसिकली दोनों को दिया गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया है कि किस पाकिस्तान के द्वारा भी रिसेंटली हुआ ये था कि जो एक टेरिटरी है उस टेरिटरी को पाकिस्तान के द्वारा अनाउंसमेंट की गई थी वो उसको फिफ्थ प्रोविंस बनाएगा, जिसकी वजह से इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चली थी। तो ये जो टेरिटरी है यहाँ पे किस टेरिटरी की बेसिकली बात की जा रही है, तो गिलगित बाल्टिस्तान की जो टेरिटरी है उसको लेके पाकिस्तान के द्वारा अनाउंसमेंट की गई थी वो पाकिस्तान को उसका फिफ्थ प्रोविंस बनाएंगे, जिसको लेके इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है जिसको कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा एनुअली बेसिस पे रिलीज किया जाता है, हर साल मतलब बेसिकली इसको रिलीज किया जाता है, इसमें इंडिया की रैंकिंग किस पोजीशन पे रही है। तो 2020 में जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स रिलीज किया गया उसमें इंडिया की रैंकिंग 116 160th पोजीशन पे रही। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे ये पूछा गया कि एक एक्सरसाइज है कैरेट एक्सरसाइज, जिसकी फुल फॉर्म होती है कॉपरेशन अफॉल्ट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग। अभी रिसेंटली बांग्लादेश और किस कंट्री की नेवीज के द्वारा इस एक्सरसाइज को 2020 में लॉन्च किया गया। तो 4 नवंबर 2020 को बांग्लादेश और यूएसए की जो नेवी है इन दोनों के द्वारा एक नेवी एक्सरसाइज, जॉइंट नेवी एक्सरसाइज जिसका नाम कैरेट है, इसको लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया नीति आयोग की जो एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स है 2020 का जो रिलीज किया गया नीति आयोग के द्वारा, इसमें किस स्टेट के द्वारा टॉप किया गया या फिर कौन सा स्टेट फर्स्ट पोजीशन पे रहा। तो नीति आयोग की जो एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स है इसमें फर्स्ट पोजीशन पे रहा था गुजरात, सेकेंड नंबर पे महाराष्ट्र और थर्ड पे तमिलनाडु। ओके, और ये जो इंडेक्स है जिसको नीति आयोग के द्वारा अगस्त 2020 में रिलीज किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है कि कौन सी कंट्री फर्स्ट अरब कंट्री बनी है जिसके द्वारा न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस की गई है। तो UAE यूनाइटेड अरब अमीरात या फिर संयुक्त अरब अमीरात जिसको बोला जाता है, उसके द्वारा फर्स्ट कंट्री बनी है, बेसिकली अरब कंट्रीज जो है उन सब में से फर्स्ट कंट्री बनी है UAE जिसके द्वारा न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस किया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड है 2020 का वो किसको दिया गया। तो 23 ईयर ओल्ड एक मुंबई बेस्ड गर्ल है जिनका नाम है ऐश्वर्या श्रीधर, उनको ये अवार्ड है जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का जो अवार्ड है ये दिया गया, और ये फर्स्ट इंडियन वुमन बनी है जिनको कि 2020 में जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, ऐश्वर्या श्रीधर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है, नासा का जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का मिशन है उसको नासा के द्वारा पोस्टपोन किया गया, तो उसको अब कब तक के लिए पोस्टपोन किया गया है? तो नासा के द्वारा जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मिशन है जिसको कि 30 अक्टूबर 2021 के लिए पोस्टपोन कर दिया गया, मतलब कि 30 अक्टूबर 2021 को इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। पहले ये मार्च 2021 में शेड्यूल किया गया था, बट बाद में कोरोना वायरस कोविड-19 के स्प्रेड होने की वजह से इसको अक्टूबर के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे पूछा गया, जो WHO है जिसको कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, उसके साथ में अभी रिसेंटली किस कंट्री के द्वारा जो उसके रिलेशंस थे उन सबको ख़त्म कर दिया गया? तो USA जो है, यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा जो भी उसके रिलेशंस थे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ उन सबको ख़त्म कर दिया गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा स्टेट इंडिया का फर्स्ट स्टेट बना है जिसके द्वारा जो क्रॉप्स का कल्टीवेशन किया जाता है उसको रेगुलेट किया जाएगा। तो तेलंगाना के द्वारा हाल ही में ये अनाउंसमेंट की गई कि उसके द्वारा जो क्रॉप्स का कल्टीवेशन है उन सबको रेगुलेट किया जाएगा, जिसकी वजह से तेलंगाना इंडिया का फर्स्ट स्टेट बना है जिसके द्वारा क्रॉप्स के कल्टीवेशन को रेगुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि किस स्टेट के द्वारा वर्ल्ड का जो बिगेस्ट जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट होगा उसको सेटअप किया जाएगा। तो अभी रिसेंटली जो गुजरात गवर्नमेंट है उसके द्वारा अनाउंसमेंट की गई है कि जो वर्ल्ड का बिगेस्ट जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट है उसको गुजरात के तापी डिस्ट्रिक्ट के दोसावाड़ा जगह पर इस्टेब्लिश किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया, जो ग्लोबल कोविड क्रूसीडर अवार्ड है 2020 का, वो किन को ऑनर किया गया था? तो एक म्यूनसिपल कमिश्नर है, ठीक है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई के, जिनका नाम है इकबाल सिंह चहल। तो वो जो कि फर्स्ट इंडियन ब्यूरोक्रेट बने जिनको कि इस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज किया गया है, जिनको बेसिकली ग्लोबल कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 से ऑनर किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे ये पूछा गया है कि किस कंट्री के द्वारा जो मिलिट्री स्पेंडर्स की लिस्ट जारी की गई थी 2019 के लिए, ये बेसिकली 2020 के स्टार्टिंग में जनवरी मंथ में इसको रिलीज किया गया था सिप्री के द्वारा। तो इसमें फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी कंट्री रही है? तो USA जो है इसमें फर्स्ट पोजीशन पर आया, सेकंड नंबर पे चाइना और थर्ड पे इंडिया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया, जो बोंगो सागर नेवल एक्सरसाइज जो है या फिर नेवी की जो एक्सरसाइज है, जो कि एक जॉइंट एक्सरसाइज है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ये अभी रिसेंटली हुई थी, तो इसका कौन सा एडिशन जो है वो अभी 2020 में हुआ था? तो इंडियन नेवी और जो बांग्लादेश की नेवी है उन दोनों के बीच में एक एक्सरसाइज जिसका नाम है बोंगो सागर, ये 2020 में हुई थी, जिसका सेकंड एडिशन 2020 में हुआ था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे यह पूछा गया, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट लिविंग सी टर्टल है उसका नाम क्या है? तो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट लिविंग सी टर्टल है उसका नाम है लेदर ब्लैक सी टर्टल। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। और ये बेसिकली जो IUCN है, जिसको कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर बोलते हैं, उसकी रेड लिस्ट जो होती है उसमें VR की कैटेगरी में, मतलब कि वल्नरेबल की कैटेगरी में इनको कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे ये पूछा गया, जो कुरिल आइलैंड्स की जो डिस्प्यूट है वो किन दो कंट्रीज के बीच की डिस्प्यूट है? तो जो कुरिल आइलैंड की डिस्प्यूट जो है वो बेसिकली रसिया और जापान के बीच की एक डिस्प्यूट है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए, रसिया एंड जापान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया, जो डॉक्टर एस पद्मावती हैं, जो कि इंडिया की फर्स्ट फीमेल और ओल्डेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट थी, उनको ये जो चार ऑप्शंस दिए गए इनमें से कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं? तो डॉक्टर एस पद्मावती अय्यर जो हैं,
जिनकी अभी रिसेंटली COVID-19 की वजह से 103 ईयर की एज में डेथ हो गई थी। तो उनको ये पद्म भूषण का जो अवार्ड है वो 1967 में 1967 में दिया गया था, और जो पद्म विभूषण का अवार्ड है ये बेसिकली इनको 1992 में दिया गया था। तो यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएंगे, तो आवर करेक्ट आंसर विल बी डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कैग के बारे में पूछा गया है, जिसको कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। अभी रिसेंटली किन को कैग के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है गिरीश चंद्र मुर्मू, जिनको GC मुर्मू के नाम से भी जाना जाता है, उनको अभी रिसेंटली इंडिया का जो कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल है उसके रूप में अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। ये बेसिकली 5 अगस्त 2020 को किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि 2023 में 2023 में जो G20 की समिट होगी उसको किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया जाएगा? तो इनिशियली तो जो इंडिया था उसके द्वारा 2022 2022 की जो G20 की समिट थी उसको होस्ट किया जाना था, बट अभी यहाँ पे कुछ रिसेंट अनाउंसमेंट के बाद में जो G20 की 2023 में समिट होगी उसको इंडिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया जो इंडिया की बर्ड्स 2020 की रिपोर्ट है उसके हिसाब से जो हाउस स्पैरो है उसका इंडिया में क्या स्टेटस है, उसकी पॉपुलेशन के रिगार्डिंग क्या स्टेटस है इंडिया में? तो उसकी पॉपुलेशन जो है इनिशियली तो काफ़ी उसमें डिक्रीमेंट हुआ था, बट अभी वहाँ की जो पॉपुलेशन है हाउस स्पैरो जो स्पीसीज है उनकी पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल सिचुएशन हो गई है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है कि 2020 के जो ऑस्कर्स थे उनमें बेस्ट पिक्चर किस फिल्म को मिला, जो कि फर्स्ट नॉन इंग्लिश फिल्म थी, वो थी पैरासाइट, ठीक है, जो कि साउथ कोरियन फिल्म थी जिसको 2020 में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 दिए गए थे वो टोटल कितने चिल्ड्रंस को दिए गए थे? टोटल 49 जो चिल्ड्रंस थे उनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 के दिए गए थे, जो कि 22 जनवरी 2020 को दिए गए थे राष्ट्रपति के द्वारा, जो हमारे राष्ट्रपति हैं ऑनरेबल रामनाथ कोविंद के द्वारा राष्ट्रपति भवन में ये सारे अवार्ड्स दिए गए थे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बेसिकली पूछा गया है जो ग्लोबल सेंटर ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन इन इंडिया इसको किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेटअप किया जाएगा? तो अभी रिसेंटली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं ऑनरेबल नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा 13 नवंबर 2020 को यह अनाउंसमेंट की गई कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO उसके द्वारा जो ग्लोबल सेंटर ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसको इंडिया में सेटअप किया जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस सेगमेंट का, जिसमें यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया जो है उसके एम्बेसडर के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है? तो WWF जिसको कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड बोलते हैं उसके एम्बेसडर के रूप में जो चेस लेजेंड है जो कि 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रहे चेस में, जिनका नाम है विश्वनाथन आनंद, उनको अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। ओके, तो यही थे कुछ टॉप 50 2020 के जनवरी से लेकर अभी तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के MCQs। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।